Now there are two special products, female products. One is Ova Balance, another one is Menso Balance. These are special, our what we can say is special dedication towards female health. मैंने पहले भी कई बार फीमेल हेल्थ पे अच्छी खासी बात करी है, क्योंकि फीमेल हेल्थ जो है वो सिर्फ फीमेल हेल्थ नहीं है. फीमेल हेल्थ इज इक्वल टू फैमिली हेल्थ. व्हाट योर फैमिली विल बिकम डिपेंड्स ऑन फीमेल हेल्थ. अगर घर की औरत सेहतमंद है तो आपके लिए खाना अच्छा कुक करेगी, नेचर अच्छा रहेगा, आपके घर को हैप्पी मूड में रखेगी. उसके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर की जिम्मेदारी है. अगर हम उसी की हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते, हम अगर उसी पे अपने पैसे के लिए सोचने लगेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारा पैसा किसी और चीज के लिए वर्थ है. अगर हमारा पैसा हमारे फैमिली की हेल्थ के लिए काम नहीं आ सकता, हमारी फीमेल हेल्थ के, हमारे घर की महिलाओं के लिए काम का नहीं है, उनके न्यूट्रास्यूटिकल के काम का नहीं है, तो क्या हमारा पैसा हमारी सिर्फ आइसक्रीम की नीड्स, सोसाइटिकल नीड्स, कि मेरे को शादी में जाना है, सूट पहनना होगा, मेरे को जूते अच्छा पहनना है, फोन अच्छा लेना है, गाड़ी अच्छी लेनी है, क्या हमारा पैसा सिर्फ यही चीज डिजर्व करती है? हमारी फैमिली में हमारा पैसा डिजर्विंग चीजें क्या है? एसी, एयर कंडीशन, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स. सबसे ज्यादा पैसा आज हमारे परिवार की सेहत नहीं ले रही हमसे, हमारे गैजेट्स ले रहे हैं, हमारे कपड़े ले रहे हैं, हमारे जूते ले रहे हैं, हमारी वो चीजें ले रही हैं जिनका कोई रेलिवेंस नहीं है मेजरली. लेकिन अगर हेल्थ के बजट की बात आती है तो हमारा हेल्थ का बजट जीरो है. फीमेल हेल्थ पे पैसा नहीं फूकेंगे, फीमेल लग्जरीज पे पैसा फूक देंगे. एक साल में अगर 10 शादियां अटेंड करनी है तो 10 सूट चाहिए, साड़ियां डिफरेंट चाहिए. एक बुरी हेल्थ में कैसे कितनी भी महंगी साड़ी पहन के एक व्यक्ति अच्छा लग सकता है या एक सूट अच्छा लग सकता है? कैसे कर सकता है कोई? कितना भी ज्वेलरी पहन लीजिए, लेकिन एक अगर ड्राई स्किन है या चेहरा मुरझाया हुआ है या एक व्यक्ति को सरदर्द भी है, तो ज्वेलरी से या कपड़ों से या जूतों से या गाड़ी से आप उस चीज को ढक नहीं सकते. हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और हम लोगों का इतना बुरा हालत है कि हर चीज का बजट है लेकिन हेल्थ का बजट नहीं है. स्पेशली इट कम्स पुअर. अगर किसी का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम किड्स हेल्थ या फीमेल हेल्थ के लिए तो हम लोगों को सीरियस होना पड़ेगा. सो वी हैव डेवलप्ड दिस स्पेशल प्रोडक्ट इन न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट. न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में यह पहली बार है कि जब किसी कंपनी ने पीसीओएस या पीसीओडी को सेंट्रलाइज करके हर्ब्स का सिलेक्शन करके किसी नेचुरल प्रोडक्ट को बनाया है न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर. आज पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हद से ज्यादा बढ़ गए हैं. हार्मोनल इंबैलेंस है, डी स्ट्रेस है, ऐसे किसी चीज के अंदर दिस प्रोडक्ट गिव्स यू ट्रेमेंडस रिजल्ट. सुबह शाम एक कैप्सूल का डोज दे के अगर 45 डेज के अंदर आप पीसीओएस पीसीओडी पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे तो इन 99.99% केसेस यू विल गेट अ वेरी वेरी हेल्दी रिस्पॉन्स. आपकी तारीफ होगी, आपको एक थैंक यू नोट भी आएगा और आप मेजरली उन बच्चों को भी मदद कर पाएंगे जो बेचारे अनमैरिड हैं. अभी तक उनके इलाज नहीं होते, डॉक्टर बड़े इजीली बोल देते थे कि आप ओवरीज रिमूव करवा दीजिए, बॉडी का एक ऑर्गन ही रिमूव करवा दीजिए. क्यों? क्योंकि अब किसी काम का नहीं है. हमारी बॉडी में हर एक चीज काम की है, बाल से लेके नाक से लेके हर चीज काम की है. एलोपैथ बड़ा इजीली बोल जाता है कि बीमारी है, इलाज हमसे होगा नहीं, कहां आप दूसरी जगह करोगे, तो इस ऑर्गन को काट के फेंक दो, निकाल दो, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. अगर हमारी बॉडी में हमारे गोल ब्लैडर का जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेस्टाइन का जरूरत नहीं है, लंग्स का जरूरत नहीं है, तो इनमें बीमारी अपने तीन पैदा होते ही निकलवा देना चाहिए. इनकी जरूरत है भी क्या? पहले ही निकलवा के बाहर फेंक दो, क्यों बीमारी भी झेलना है? बट नो डाउट हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है 100% न्यूट्रास्यूटिकल प्लस आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के साथ टू हेल्प दोस फीमेल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस पीसीओडी. फेशियल हेयर्स, हेयर फॉल, चेहरा ब्लैक हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं उनके चेहरे पे इन हॉर्मोन्स इम्बेलेंस के चलते. तो स्पेशली फॉर दोस फीमेल्स एंड एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, नॉट जस्ट पीसीओएस पीसीओडी, हॉर्मोन बैलेंसिंग के लिए, बाकी चीजों के मदद के लिए, अंडर 30 फीमेल्स के लिए दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड. आप इसका रिजल्ट 20 दिन में देख पाएंगे.
आप उनके स्ट्रेस के लिए भी देख पाएंगे, उनकी वेट मैनेजमेंट पे भी देख पाएंगे, आप उन सब चीजों के लिए इनका रिजल्ट देख पाते हैं। और आप अच्छे डाइटिशियन से या अच्छे किसी प्रैक्टिशनर से भी अगर ये प्रोडक्ट दिखाएंगे तो मैं गारंटी करता हूं जिस आदमी को नॉलेज है ना इन प्रोडक्ट्स की, हिंदुस्तान के उन लोगों की गारंटी नहीं करता हूं जो बुद्धि नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज की गारंटी है, अगर व्यक्ति नॉलेजफुल बैठ गए आपके सामने, जिस व्यक्ति को नॉलेज है प्रोडक्ट्स की, अगर वो आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करे बिना उठ गया, तो इसी वीडियो का रेफरेंस भेज के मेरी उस व्यक्ति से बात कराइएगा, कमी निकालिएगा कि आपके प्रोडक्ट में था। जो व्यक्ति बेस्ट प्रोडक्ट की अकल रखता है वो व्यक्ति एक झटके में एक सेकंड के अंदर आपके प्रोडक्ट की तारीफ करे बिना नहीं रुकेगा। बेवकूफ आदमी तो अच्छी चीज की भी तारीफ नहीं कर सकता जिसमें अकल नहीं है, उसका तो खैर मत ही कोई मायने नहीं रखता है, जिसकी मती मारी गई हो उसका मत भी क्या मायने रखेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने की क्षमता है, वो कहीं से भी आए, कहीं से भी, किसी भी इंडस्ट्री का हो, आपके प्रोडक्ट की तारीफ करे बिना नहीं रह सकेगा। वो अगर आपके प्रोडक्ट को देख के ये ना बोले कि इससे बेहतरीन नहीं बनाया जा सकता था, तो मैं बोलूंगा इस प्रोडक्ट को इन्हीं चीजों को कॉपी करने के लिए एक दिन अगर ये हमारी इंडस्ट्री एकजुट ना हुई तो हमारे ये प्रयास व्यर्थ है। एक दिन यही प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री का बेंचमार्क बनेंगे, जैसे हमारा केमिकल फ्री का एजेंडा, नेटवर्क मार्केटिंग का नया संविधान बनता जा रहा है। आज हर कंपनी सिर्फ 2 महीने के हमारे प्रयास में बोल रही है कि हमारे प्रोडक्ट भी केमिकल फ्री है, हम भी ऑर्गेनिक करते हैं, हम भी लेके आ रहे हैं, हम भी लेके आएंगे। हमने नेटवर्क मार्केटिंग को काम करने का एक नया संविधान दिया। आज तक दारे जुनैन या दारे जुनैन के किसी भी एसोसिएट ने किसी भी व्यक्ति को गलत कमेंट नहीं किया, ये हम लोगों ने नया संविधान दिया। आज तक हमने किसी कंपनी का नेगेटिव डे नहीं किया, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते ना बोलेंगे। इसी प्रकार के जो संविधान हमने दिया कि इंडस्ट्री किस तरीके की होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके का होना चाहिए, प्रोडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, सोच किस तरीके की होनी चाहिए, और सबसे बड़ी नियत कैसी होनी चाहिए कस्टमर के प्रति, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, हर चीज के प्रति, आपका नियत कैसा है वो डिटरमिन करेगा कि आगे चल के आपकी कंपनी का बिजनेस कैसा होगा, मिशन कैसा होगा, ग्रोथ कैसी होगी, विजन क्या होगा। लोग गलत क्वेश्चन करते हैं किसी एमडी से कि विजन और मिशन क्या है, क्वेश्चन क्या जाना चाहिए, इंटेंशन क्या है, नियत कैसा है आपका, यह सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट होता है। सो वो हमने किया, आज उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में ये प्रोडक्ट जो आज हमने रख दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग का नया कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यूट्रास्यूटिकल लाइन का नया कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसपी गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स नया कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बर्ड्स के प्रति अवेयरनेस आज के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है, महिलाओं के लिए इस तरीके से सोचना, चीजों को सोचना और इकोनॉमिकल रेट पे लेके आना, ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती हैं लेकिन रिजल्ट्स के मामले में मात खा जाती है। स्टोरी बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी कहानियां जो सर के ऊपर से बाउंस कर जाती हैं और लोग बोल रहे होते हैं कि यार इतनी लंबी कहानी सुनी है, टेक्निकल कुछ तो अच्छा होगा ही। अगर टेक्निकल अच्छा है, वो बंदा बात अच्छा बोल रहा है, तो एक जेन्युइन रेट के अंदर प्रोडक्ट का रिजल्ट भी जेन्युइन आना चाहिए। तो वो जो चीज है आज हम लोगों ने ब्रिंग करी है कि मैं ये बोल सकता हूं दावे के साथ कि जिस कैटेगरी में जो हमने प्रोडक्ट रख दिया, यही प्रोडक्ट आज के बाद महंगे और सस्ते को डिसाइड करेगा। इस प्रोडक्ट से ऊपर उस कैटेगरी में कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा, यानी इसके ऊपर अगर कोई भी प्रोडक्ट का रेट है तो वो डेफिनेटली महंगा प्रोडक्ट है। और अगर कोई बोलता है कि हमसे सस्ता है, तो सस्ता महंगा उस दिन करेंगे जिस दिन हमारी टक्कर का रिजल्ट हमारे बराबर में देके दिखाएंगे, जिस दिन ब्लड रिपोर्ट पे आपका प्रोडक्ट हमारी टक्कर का काम करके दिखाएगा, जिस दिन कोई इंडस्ट्री का सबसे एक्सट्रीम नॉलेजफुल साइंटिस्ट लेवल का व्यक्ति, कोर साइंटिस्ट, हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करे बिना रहेगा और आपके प्रोडक्ट को साइमल्टेनियसली एक थर्ड पार्टी ऑडिट करेगा, उस दिन हम बात करेंगे। तो दिस इज अ न्यू रेंज कंप्लीटली। लास्ट प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी इज ओवा बैलेंस, मेंसो बैलेंस। आई थिंक आई हैव पुट दैट प्रोडक्ट, तो मैंने गलत दिखा दिया। ओवा बैलेंस इज दिस प्रोडक्ट विच इज फॉर ओवरीज, और मेंसो बैलेंस रेड वन, दिस प्रोडक्ट मेंसो बैलेंस, नाम में दोबारा बोल रहा हूं कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो, मेंसो बैलेंस इज स्पेशली फॉर दोज फीमेल्स
जिनको भुगतान करना पड़ रहा है अपने मेनोपोज का, इरेगुलर पीरियड्स का, या पीरियड क्रैम्प्स का, जिनको क्रैम्प्स बहुत आते हैं, वो महिलाएं बेचारी 5 दिन बड़े दर्द में गुजारती हैं, तो पीरियड्स का इरेगुलर होना, हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस होना, मेनोपोज का पेन होना, हॉट फ्लैशेस होना, उसके बाद थायराइड डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स को झेलना, तो आज के बाद वो हम लोग उनके लिए हैं और हमारे यहाँ के फीमेल्स अब वो प्रॉब्लम्स नहीं झेलेंगे। सो वी हैव डेवलप्ड दिस प्रोडक्ट फॉर देम, मेंसो बैलेंस 40 एंड अबव लेडीज, 30 प्लस को भी यूज कर सकते हैं, 40 प्लस लेडीज के लिए दिस इज अ बूम। तो 40 प्लस की महिलाओं को अगर आप एक डब्बा देंगे अपने परिवार को, आप 3 महीने का कोर्स कराएंगे बाय 2+1 गेट फ्री में, तो नो डाउट वो बोलेंगे। और रियल पहला टेस्टिमोनियल मैं आज भी अपने फोन में दिखा सकता हूं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कांट डू दैट। जो फर्स्ट टेस्टिमोनियल मैंने लिया और जो अभी आया है, दैट फर्स्ट टेस्टिमोनियल इज फ्रॉम माय मदर ओनली। आई क्रिएटेड फर्स्ट टेस्टिमोनियल ऑफ दिस प्रोडक्ट इन माय मदर। मैं ट्रिप पे था, मैंने किसी को अपनी मदर का आया हुआ व्हाट्सएप पे दिखाया था। शी सेड कि जो प्रोडक्ट तू देके ट्रिप पे गया है, मुझे लग रहा है शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग, और मैं उनको बहुत टाइम से बोल रहा था बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। तो मैंने एक प्रोडक्ट दिया कि आप बाकी कुछ नहीं खा पा रहे तो एटलीस्ट कैप्सूल तो खा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी इश्यू आ रहा था कि कोई चीज टेस्ट की वजह से या कुछ चीजों की वजह से दे वर नॉट सुटेबल। तो तब मैंने कैप्सूल्स पे काम करना चालू किया था। बहुत से लोग पूछ रहे थे शॉर्ट्स के अलावा कैप्सूल्स क्यों दिए, तो द मेजर रीजन इज कि बहुत से लोग ना रिजल्ट्स है लेकिन टेस्ट की वजह से शायद नहीं कर पा रहे थे। मेरे घर में इशू हुआ, पर्सनल हुआ, तो एक मन में जागा कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, किसी के लिए नहीं कर सकता हूँ, तो उन लोगों के लिए क्या करूँगा, और बहुत लोग भुगत रहे थे। सो वी डेवलप कैप्सूल, इजी टू टेक है, जल्दी जाता है, रिजल्ट दिखाता है। विद इन 3 डेज माई मॉम रिस्पॉन्डेड कि जो तू देखे गया था, आई एम फीलिंग रिजल्ट ऑफ दैट, एंड टूडे आफ्टर 15 डेज इनटेक, मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, डेवलप करवाया और डेवलप किया। आज 15 दिन बाद शी इज नॉट फेसिंग सच इश्यूज, अदरवाइज शी वॉज फेसिंग टेरेबल इश्यूज, सो शी इज फीलिंग वेरी गुड। तो पहला टेस्टिमोनियल हमारे घर पे निकला एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो आप महिलाओं के लिए बून है, तो जो भी 30 प्लस में है, एक बार 3 महीने का कोर्स वो करके देखे एंड दे कैन रियली टेल यू द डिफरेंस की व्हाट दे आर फीलिंग बिफोर एंड व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ।